नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। नमस्कार। कैंसर जो बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर, एक अजीब सा खौफ हमें जकड़ लेता है, लेकिन क्या कैंसर ठीक हो सकता है? क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा डाउट हम सबके मन में है, लेकिन आयुर्वेद है तो सब संभव है। आज हमारे साथ रूपचंद जी मौजूद हैं अपने पुत्र के साथ, इनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। इन्हें कैंसर था और आज बिल्कुल स्वस्थ होके ये हमारे साथ बैठे हैं। अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आप इस शब्द को सुन के घबराएं नहीं, बल्कि सही कदम उठाएं अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को और अपने कैंसर को ठीक करने के लिए। चलिए जानते हैं इनसे इनका सफर। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब भी आज हमारे साथ है जो इस पे अपनी गाइडेंस हमें देंगे और शेयर करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए जिससे इस बीमारी से हम कोसों दूर रह सके। तो डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सर, पहले तो सर से जानते हैं, जब आपने टेस्ट कराया होगा तो क्या आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे या आपको शरीर में क्या ऐसी तकलीफ हो रही थी कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा टेस्ट कराने के लिए? हाँ जी, मेरे पेशाब में जो है जलन हो रही थी बहुत ज्यादा। अच्छा, उसकी वजह से मेरे को फिर भागना पड़ा डॉक्टर के पास। जलन से ही शुरू हुआ, जलन होनी, पेशाब आना तो जलन होनी बहुत ज्यादा। अच्छा जी। बस फिर दिखाना पड़ा डॉक्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया? आपको कुछ टेस्ट तो मेरे ब्लड के सारे दिए उन्होंने, यूरिन के भी दिए टेस्ट जी, लेकिन फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड लिए, दो तीन बार अल्ट्रासाउंड लिए, लास्ट में सीटी स्कैन लिखा। अच्छा। सारे टेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि कुछ बायोप्सी हुई। अच्छा, बायोप्सी हुई, उसके बाद बायोप्सी में भी कुछ रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने फिर बाद में मेरे को बुलाया एक महीने के बाद, और उसमें भी उन्होंने ऑपरेट किया उसको फिर जी। आपने जैसे मुझे बताया था कि एक बार कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी आपको बायोप्सी कराते हुए, बायोप्सी उस बारे में भी बताइए हमारे। बायोप्सी जब उन्होंने बायोप्सी के लिए बुलाया ना मैडम जी, तो उस दिन डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर के बाद मेरे को बताया कि यार अंदर कोई कहीं मिस्टेक होगी ब्लेड की, तो भाई कट लग गया कहीं अंदर ब्लैडर में, तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, इसके वजह से भैया हम अब आपकी बायोप्सी नहीं कर सकते जी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। हाँ जी जी। तो उसके बाद ऐसा भी, आप एक महीने के बाद आओ हमारे पास, तो तब देखते हैं। महीने के बाद गए फिर दोबारा उन्होंने सैंपल लिया, दोबारा उन्होंने सैंपल सुन किया पूरा ना ये। हाँ जी। और फिर वो सैंपल लिया, सैंपल को भेजा उन्होंने बाहर। अच्छा। दिल्ली जी। और उसकी रिपोर्ट आई हफ्ते 10 दिन में। उसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आपकी रिपोर्ट नहीं है ठीक है, और आपके इसमें प्रोस्टेट में जो है कैंसर हो गया, प्रोस्टेट प्लस ब्लैडर। अच्छा जी। हाँ, फिर उन्होंने पीजीआई के लिए हमारे को आप पीजीआई चले जाओ या शिमला चले जाओ। मैं यहाँ जॉब करता हूँ मोहाली में। नहीं। अच्छा। तो फिर मैं इनको देखकर के पीजीआई में आ गया। ठीक है। पीजीआई में सारा ट्रीटमेंट कराने के बाद सारा रिपोर्टें वगैरह उन्होंने चेक किया, सारा सब कुछ। उसके बाद फिर पीजीआई में भी उन्होंने वो मटेरियल मंगाया। हाँ, मटेरियल जो टेस्ट हुआ था जो, हाँ डॉक्टर ने बोला कि जिस दिन हम इसके यूरोलॉजी में गए ना जी, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई वो आपको वो मटेरियल लाना पड़ेगा, दोबारा टेस्ट। अच्छा, दोबारा टेस्ट करना चाह रहे थे, वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि हमने अपने लैब में टेस्ट करना है उसका। मैंने बोला जी अब मेरे को तो पता नहीं है वो कहाँ भेजा उन्होंने, वो तो वहाँ पता करना पड़ेगा। वहाँ पता किया उन्होंने, भेजा दिल्ली। वहाँ बंदा था मेरा, उसको पूछा मैंने, मैंने बोला यार ऐसा ऐसा बोल रहे हैं यहाँ, उसने बोला वो तो दिल्ली भेज दिया, कहाँ से आएगा वो। फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात की वहाँ, उन्होंने बोला कि 6 महीने के अंदर आपको वो मटेरियल उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है कि हमने कहाँ भेजा। अच्छा। नहीं होती भाई, तो आप उनको फोन लगाओ। फिर दोबारा फोन लगाया, फिर उन्होंने वो प्रोवाइड करा ही दिया। अच्छा, जैसे कैसे। ठीक है। हाँ जी। फिर वो मटेरियल यहाँ दिया इनको पीजीआई में। हाँ जी। तो इन्होंने अपनी लैब में टेस्ट किया, वो
तो इन्होंने भी वो सेम ही रिपोर्ट बताई, ठीक है, कि आपके प्रोस्टेट में कैंसर है जी, और इसकी आपको अब कीमोथेरेपी वगैरह करानी पड़ेगी। तो कीमो के 8 साइकिल इनके हुआ ना, अच्छा 8 सिटिंग्स आपकी, ठीक है। तो कीमो के वक्त आपको क्या बॉडी में चेंजेस या कैसा महसूस हुआ? नहीं नहीं, कीमो के बाद कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई मैडम, कीमो लगते ही ना धीरे धीरे वो जलन मेरी खत्म होती रही, अच्छा ठीक है, नॉर्मली होती रही, ठीक है। और कीमो के बाद मतलब 8 सर्कल जब लग गए तो बिल्कुल ओके, मेरे को कोई जलन नहीं रही पेशाब में, बिल्कुल ओके रिपोर्ट। उसके बाद पेट सिटी के लिए बोला, लेकिन उन्होंने बोला था कि बीच में भाई पेट स्कैन करा लेना आपने, उसकी डेट ले लेना, नॉर्मल आई है पेट स्कैन की, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उधर भेज दिया उनको ना दोबारा यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में, दोबारा भेज दिया कि फिर यूरोलॉजी में उनको बोला कि आप दोबारा जो ऑपरेट करना पड़ेगा अभी, अच्छा, क्योंकि ऐसा कैंसर ऐसा भी दोबारा हो सकता है। हाँ हो सकता है, तो ऑपरेट के लिए बोला था, तो फिर किसी ने फिर सुझाव दे दिया, कोई इनको मिल गए ना इनके, तो वहाँ जाने पहचाने वो तो हमारे वहीं के हिमाचल के थे ना, वो यहाँ से ट्रीटमेंट किया था, कुछ प्रॉब्लम आई थी, एक गुना उनकी बरजाई थी ना उस मुंडे की, सुखराम नाम है उसका, तो उसकी बरजाई और उसके डैडी को भी ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, अच्छा, लेकिन शायद कैंसर नहीं होगा उसमें, प्रोस्टेट ऐसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, पेशाब बंद हो गया, तो 3-4 महीने तो उसको थैली लगी रही, अच्छा, वहाँ भी घुमा वो हॉस्पिटलों में, लेकिन फिर जब वो अपनी बरजाई को यहाँ से दवाई लेने के आया तो उसने यहाँ बात उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था कोई ना, शिमला से उनको रिपोर्ट कुछ ऐसा, अच्छा, तो उनके थ्रू आप यहाँ, हाँ फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप जाओ वहाँ, अच्छा, तो फिर तो वहाँ ऑपरेशन से आपने मना कर दिया कि नहीं कराना, ऑपरेशन के लिए उन्होंने फोन नंबर लिया, आपको बुलाएंगे, अच्छा, लेकिन हम गए नहीं दूसरी बार ना जी, फिर मुड़ के गए नहीं ना, पूछा उनको, जब डॉक्टर साहब से हमने पूरा बातचीत करके हमारा विश्वास हो गया सारा सब कुछ, ठीक है, तो फिर हम पीजीआई का हमने रुख नहीं किया, अच्छा, तो यहाँ कितने महीने से आप आ रहे हैं अभी? तो हमारे को 5 महीने हो गए जी दवाई खाते हुए, ठीक है, बीच में हमारे को डॉक्टर साहब ने बोला था 3 महीने दवाई खाने के बाद एक सीटी कराने के लिए, ठीक है, उसमें हमारी रिपोर्ट बिल्कुल इनकी नॉर्मल, ठीक है, तो अभी कोई ऑपरेशन की कहीं जरूरत नहीं है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, सारा बढ़िया है, चलो जी, काम वगैरह करते हैं, पहले काम भी नहीं इनसे होता था, खेतों में भी काम कर रहे हैं सारा सब कुछ जी, अच्छा मतलब महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये सुनने में कितना मिराकुलस सा लगता है कि एक रिपोर्ट में तो आया कि इसको रिमूव ही कराना पड़ेगा, ऑर्गन को रिमूव कराना पड़ेगा, ऑपरेट कराना पड़ेगा, और 3 महीने आयुर्वेदिक हर्ब्स लेके मेडिसिन लेके दोबारा रिपोर्ट में आया कि अब सब ठीक है, तो कैसे संभव होता है ये? आयुर्वेद में सब संभव है, आयुर्वेद तो बहुत ही डीप ओशन है, उसमें जितना जाते जाएंगे उतना आपको कुछ नया मिलता जाएगा, बिल्कुल, और ये सबसे ज्यादा एंशिएंट साइंस है हमारी, बिल्कुल, है ना, तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि उन्होंने 3 महीने दवाई ली और 3 महीने पहले की रिपोर्ट में कैंसर था, बट 3 महीने बाद इट वॉज नॉर्मल, तो अभी वो एज अ सपोर्टिव थेरेपी ले रहे हैं, बाकी वो मेडिसिन तब भी बंद कर सकते थे 3 महीने बाद भी, बट अभी वो इसलिए ले रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कुछ भी जो इन फ्यूचर भी ना हो, बिल्कुल माइनर सा भी कुछ प्रॉब्लम हो या कोई और भी दिक्कत हो तो वो ठीक हो जाए, और आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि कैंसर सेल्स पे काम भी करती हैं और वर्क भी करती हैं, तो उसके साथ साथ उन जड़ी बूटियों के साथ साथ आपको डाइट भी फॉलो करना रहता है, जैसे कि डाइट तो पूरी फॉलो करते हैं, बिल्कुल, जैसे कि आपको डाइट में बताया गया होगा कि शुगर नहीं लेनी है, स्टार्च वाली चीजें नहीं लेनी है, दूध वाले कोई प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, तो डेयरी जो भी शुगर वाली चीजें हैं, बिकॉज कैंसर सेल्स का सबसे फेवरेट जो चीज है दैट इज शुगर, तो सारे जो डाइट चार्ट जो दिया है यहाँ पे ना, तो वो डाइट अनुसरण करते हैं, पूरा उसको फॉलो करते हैं, और उसके साथ आपको जूसेस जैसे ग्रीन जूस हो गया, रेड जूस हो गया, तो वो एंटीऑक्सीडेंट जूसेस हैं, तो इसलिए वो कैंसर सेल्स को किल करने में वो भी हेल्प करते हैं, बाकी जो हर्ब्स जैसे करक्यूमिन है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक एल्कलॉइड होता है करक्यूमिनॉइड्स, तो वो करक्यूमिनॉइड स्पेसिफिकली
एक्चुअली कैंसर सेल को किल करने में हेल्प करता है जी, क्योंकि उसकी एंटी कैंसर एक्टिविटी है. और ये मैं ही नहीं बोल रही हूँ, या आयुर्वेद के डॉक्टर्स ही नहीं बोलते, इस पे बहुत सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं. और उसके अलावा आजकल तो बहुत ही ज्यादा, जैसे पाइपरिन है, पाइपर है अपना ये काली मिर्च या फिर पिपली, तो उसमें पाइपरिन एल्केलॉइड होता है, तो उसका भी कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि वो हमारे माइक्रो चैनल्स में जाती है और उसके बाद कैंसर सेल्स को किल, मतलब उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो बॉडी के छोटे से छोटे सेल तक भी पहुंच सकती है जी, जहां शायद एलोपैथिक मेडिसिन नहीं पहुंच पाती है. तो इसके अलावा भी बहुत सारे हर्ब्स है, जैसे कि अरलू हो गया, एलेंथस एक्सेल्सा, और भी बहुत सारे हर्ब्स है जो कि कैंसर को किल करने में हेल्प करते हैं. And they are very good. और आयुर्वेद में उसका इलाज भी है, जैसे कि आप आज देख ही रहे हो कि पेशेंट आए तो ब्लैडर कैंसर के साथ थे, लेकिन अब उनका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है. तो अंकल जी, और क्या आपने अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस किए? चलिए रिपोर्ट को तो हमने देख लिया कि वो बिल्कुल ठीक है, और कोई आपको अपने दिनचर्या में फर्क क्या क्या महसूस हुआ? जैसे कभी पहले थकान होती हो और अब वो वैसा ही है, या क्या क्या? नहीं नहीं, वैसा नहीं है जी, काफी चेंजिंग होगी ना. पहले तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, पहले से भी होती थी, शाम में रुकावट भी आती थी कई बार. अच्छा, जलन तो बाद में हुई शुरू, जलन तो फिर ऐसे हुई कि वो मेरे से रुका नहीं गया, बहुत तेज पेशाब बिल्कुल कम होना और जलन ज्यादा होना, या बार बार आना, पेशाब होना नहीं, जलन हो जानी. तो इसकी वजह से फिर तो फिर इलाज का ये तरीका है, मेडिसिन तो लेनी जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी डाइट आप कितनी फॉलो करते हैं? डाइट तो मैंने कुछ नहीं, ये दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट आज दिन तक नहीं लिया मैंने ना. अच्छा ठीक है, पूरी कोशिश की नहीं लिया, लेकिन बाकी जो भी डाइट चार्ट था ना, उसके अनुसार जो भी हमारे पास पहाड़ी एरिया है वहाँ जो कुछ मिला पूरी कोशिश की जी. क्योंकि मैंने देखा पेशेंट एक जिसको लगा हुआ था स्टोमा बैग, पीजीआई, वही मेरे उससे डिस्कस थोड़ा बहुत पूछा मैंने उनको जी. तो वो देखा मैंने तो मेरे को लगा अच्छा, मैंने बोला मैं तो बेकार ही हो जाऊं. बिल्कुल जी, तो वहां से मोटिवेशन मिला आपको कि मुझे इस सिचुएशन में नहीं पहुंचना है. नहीं जाना मैंने ना जी. वो मैंने देखा कि मैं तो, क्योंकि मैंने मेहनत तो बहुत की है जिंदगी में, रात दिन बहुत ज्यादा मैंने जी. तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा हो ना कि वो तो उससे तो मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा जी. अब पता नहीं कब तक जीना है, लेकिन ये है भाई, आदमी को थोड़ा हौसले की बात है. बिल्कुल, मानसिक शांति तभी होती है, विश्वास. बिल्कुल, आयुर्वेदिक के ऊपर मैं पहले से ही बहुत विश्वास करता था. अच्छा जी, ये मेरी थ्योरी थी कि आयुर्वेदिक इलाज ऐसा इलाज है, ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसके. बिल्कुल, लेकिन भाई अब फॉलो तो करना पड़ेगा, परहेज तो जरूरी है, टाइम तो लगता है, टाइम भी लगता है. बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए विश्वास और पक्का हो गया होगा. बिल्कुल, हर आदमी को एडवाइज करते हैं हम कि आप जाओ, वहाँ अच्छा इंतजाम है, अच्छी देख रेख है, पूछताछ है, दवाई टाइम की, आप जैसे भी दवाई, अगर आप अपने आप नहीं पहुँच सकते तो दवाई वहाँ से भेज भी देते हैं. तो हर आदमी को हम तो यही एडवाइज करते हैं कि नहीं, अपना डॉक्टर विक्रम चौहान जी जो है, मतलब काफी अच्छा, हमारे को मोटिवेशन जो है, डीलिंग भी अच्छी है इनकी भाई, व्यवहार अच्छा है. डॉक्टर डॉक्टर तो जिन डॉक्टरों की डीलिंग अच्छी है ना जी, पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाता है. जिनका व्यवहार अच्छा हो वहाँ तो आदमी ऐसे ही खुश हो जाता है जी. तो ये चलो चमत्कार है और भगवान की कृपा है. हम तो सभी लोगों से अपील करते हैं जिनको भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसी आयुर्वेदिक तो यही आकर के डॉक्टर विक्रम चौहान जी से मिले जी, और अपना इलाज करवाएं. बिल्कुल, सबसे बेस्ट मतलब ऑप्शन है ये जी. और जीता जाता सबूत हमारे सामने है. बिल्कुल ठीक, क्योंकि कैंसर का नाम ही ऐसा है कि वो कैंसर का मेरे तो प्रेशर हो जाता है ब्रेन. प्रेशर जिस दिन वहाँ से मंडी से उन्होंने फोन किया ना जी, जी फोन में बताया कि आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, समझ लो उसी दिन से सेल उड़ गए.
दिमाग के तो होता ही है, घर में किसी एक का देखो ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ से कोई स्पेशल एडवाइस उन लोगों को स्पेशली जिनको कैंसर अभी अभी डिटेक्ट हुआ है कि क्या उनको करना चाहिए अपनी रूटीन में ऐड कि एटलीस्ट वो स्ट्रेस से तो दूर रहे। चलिए कैंसर का इलाज तो साथ साथ चलता रहेगा लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर में वो ना प्रेशर बहुत होता है। एग्जैक्टली मानसिक बोझ जो है ना इतना ज्यादा बन जाता है कि इससे आदमी का जो दिनचर्या है वो सारी प्रभावित हो जाती है, खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या तो मेरा पेशेंट्स को यही एडवाइस है कि जिन भी लोगों को अर्ली कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है और आप अच्छा लाइफस्टाइल चूज करो। जैसे कि हमने अभी बात भी किया कि खाने में शुगर को बिल्कुल कट कर देना है, लेस कार्ब डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल कट डाउन कर देना है एंड एंटीऑक्सीडेंट फूड्स लेने हैं। जैसे कि हमने जूसेस की बात की, ग्रीन जूस, रेड जूस, तो वो आपने लेने हैं। इतना आप कर लेंगे उसके बाद आप आयुर्वेद को चूज करें एंड आयुर्वेदिक हर्ब्स लें। आप अगर आना नहीं चाहते, किसी को बिलीव नहीं है, कुछ भी है, तो आपके घर में हल्दी एक ऐसी चीज है जिसकी हमने सबसे पहले बात की, वो हर किसी की किचन में अवेलेबल है, तो आप उसको ही एक चम्मच दिन में लेना शुरू कर दीजिए तो यू विल सी द चेंज इन योरसेल्फ। तो वो आप कर सकते हैं एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग डेफिनेटली आयुर्वेद में आओ। जैसे कि आपने देखा कि आज पेशेंट थे जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो विद इन 3 months उनका कैंसर जो है वो ठीक भी हो गया एंड पेशेंट अभी हमारे साथ हैं, बिल्कुल ठीक है, विदाउट एनी सिम्टम है। तो इस चीज से मोटिवेशन लेके यू शुड ऑल्सो कंसल्ट और आप मिले डॉक्टर से। एब्सोल्युटली, और उनकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं तो वो डेफिनेटली हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे ताकि आपका विश्वास और पक्का हो जाए और खुद आजमाए आप। इनफैक्ट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इस कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं, तो आपका शायद एक शेयर उन लोगों को मदद कर सके। जैसा कि सर ने भी बताया कि लोगों को मोटिवेट ये अपनी तरफ से भी करते हैं, तो आप भी अपनी ड्यूटी निभाइए और लोगों को इस गंभीर बीमारी से बचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए और डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच।